राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ऊना रेलवे स्टेशन पर एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉकड्रिल में पुलिस, होमगार्ड और दमकल कर्मियों ने हिस्सा लिया। मॉकड्रिल के तहत ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन पर अचानक 3 आतंकवादियों के घुसने और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को बंधक बनाने के बाद पुलिस की QR टीम, होमगार्ड व दमकल कर्मियों ने आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से करवाई गई मॉकड्रिल में पुलिस कप्तान अर्जित सेन, कमांडेंट होमगार्ड KC राणा व ASP विनोद कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। ये 54th जो DGP और IGP कॉन्फ्रेंस हुई थी पुणे में, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो डायरेक्शंस दी थी सभी DGPs को, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का एक एस्पेक्ट जो है बहुत स्ट्रेस किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और सभी स्टेट्स को ये डायरेक्शन दी थी कि इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी की जाए। तो उसके चलते होमगार्ड डिपार्टमेंट को जो ये देख रहे थे इसको सुचारू रूप से करने का, उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, और उसके चलते हमको भी आदेश आए, हमारे कमांडेंट साहब भी यहाँ हैं, तो फायर डिपार्टमेंट, होमगार्ड डिपार्टमेंट और पुलिस ने मिलकर जो है एक मॉक ड्रिल सिनेरियो क्रिएट किया है यहाँ पर, जिसमें एक हमने ये सिनेरियो में एक आतंकवादी जो है यहाँ घुस जाते हैं जो रेलवे स्टेशन है हमारे ऊना का, इनफैक्ट हिमाचल का एक इकलौता रेलवे स्टेशन जो है जो इतना बड़ा है, तो वहाँ पे हमने ये इस तरह का सिनेरियो बनाया था। वहाँ पे कुछ लोगों को जो बंधक बना लिया जाता है, और एक व्यक्ति जो है, एक जो टेररिस्ट है, वो अपनी एक IED भी ब्लास्ट करता है। तो उसमें किस तरह से हमारा रिस्पॉन्स पुलिस फोर्स का, एम्बुलेंस का, फायर डिपार्टमेंट का और होमगार्ड्स के का जो साथ है, उस सब के कोऑर्डिनेशन के चलते हमने एक मॉकड्रिल की। मॉकड्रिल करने का फ़ायदा एक ये हुआ कि हमारी एक तो प्रैक्टिस के बारे में हमको जो जो सिनेरियोज आते हैं उनके बारे में देखने का मौका मिला, जो हमारी गलतियां रहेगी, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाए, जिनको हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसका भी हमको एक आइडिया लग गया है। तो अब हम पहले सुबह आज ब्रीफिंग हुई थी, अब एक डीब्रीफिंग करेंगे जिसमें सभी जो समस्याएं आई, जो जो चीज़ें हमको और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आज इसका उद्देश्य था, और ये इस तरह की और मॉकड्रिल भी करते रहेंगे। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।